हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको बेसिकली बताएंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूआईएन, दैट जिसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन फैजाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, उसमें आप कैसे करवा सकते हैं। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने एड्रेस बार में www.rmlau.site एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशनड है। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। इसको आप यहां से देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का पोर्टल है फैजाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, जिसे हम यूआईएन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो इस पे सारे स्टेप लिखे हुए हैं। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स, जो कि है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट, पर्सनल डिटेल्स, थर्ड स्टेप है एजुकेशनल डिटेल्स, फोर्थ स्टेप है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फाइनल स्टेप आपका सबमिशन का है, और सिक्स स्टेप में आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और ई रिसिप्ट अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए निकाल सकते हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप किसी भी स्टेप पे छूट जाते हैं प्री रजिस्ट्रेशन के बाद, वहां पे आप दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है इफ योर प्री रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट एंड पेमेंट इज नॉट डन, मतलब अगर आपका प्री रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इफ योर प्री रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इज कम्प्लीट। आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजेक्शन आई डी आ रहा है। इन दोनों डिटेल्स पे, जैसे भी आपकी सिचुएशन है फॉर्म की, इन दोनों की डिटेल डाल के आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप जहां पे आपने फॉर्म छोड़ा था वहां पे आप पहुंच जाएंगे। ये एक मेजर टैब है जो कि स्टेप वन को भी डिनोट करता है, जिसका मतलब है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो फीस डायरेक्ट आप प्री रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। इसको भी अभी मैं कवर करता हूँ। इसके नीचे आप देखेंगे फुटर सेक्शन में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला है रिसीव प्रिंट ऑफ यूआईएन नंबर, ये आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं यूआईएन नंबर की स्लिप। फिर उसके बाद है दूसरा है चेक पेमेंट स्टेटस, अपना पेमेंट का स्टेटस आप रियल टाइम पे चेक कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर सर्च कर सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शंस इस पे दिए गए हैं। ये भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप हेल्प हो सकती है, नहीं तो आप इससे यूजर मैनुअल से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन की नोटिसेस हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस हैं जो आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेप वन पे। स्टेप वन पे जब आप प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इस टैब पे आपको आना है जो कि आपका मिडल पे यहाँ पे रहेगा। जब इसके ऊपर आप ले जाएंगे तो ये ऑरेंज होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप प्री स्टेप वन प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो खुल के आएगी। इस विंडो में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है जो कि प्री रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी फील्ड्स हैं। जहाँ पे ये स्टार लगा होगा ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी हैं, ये आपको डालनी ही डालनी है। मैं एक डेमो के लिए आपको ये फॉर्म भर देता हूँ। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम, जो कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसका नाम आएगा, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्योंकि यूआईएन है तो अभी फर्स्ट पार्ट के लिए ओपन हुआ है, तो बीए पार्ट वन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने अपना कोर्स के लिए वो कर दिया। यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करूंगा। इसका फॉर्मेट आया है DDMMYY, मतलब डेट, मंथ और फिर ईयर। तो यहाँ इसका शॉर्टकट है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ईयर पे जल्दी जा सकते हैं। लेट सपोज मेरा 1990 है, फेब्रवरी की फर्स्ट, तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसको आप एक बार जरूर से चेक कर लें। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर,
10 डिजिट का होगा, इसको ध्यान से डालना है। फिर अपनी ईमेल आईडी, फिर अपना आधार नंबर। इस रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, जो यूआईएन की फीस है, वो आपकी 100 रुपीज है। ये बाय डिफॉल्ट है, ये सबको पे करनी है। सारी डिटेल्स एक बार फिर चेक कर लें और फिर उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार डिटेल जरूर से चेक कर लें और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, एक मैसेज पॉपअप करेगा जहां पे लिखा है, प्लीज इंश्योर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू इन दिस फॉर्म इज करेक्ट एंड कंप्लीट। इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट, देन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर डिटेल्स इन फ्यूचर विद दिस करेंट रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपने कोई भी डिटेल गलत भरी है तो इस रजिस्ट्रेशन पे आप अपनी डिटेल्स फिर से सही नहीं कर पाएंगे। पर एक बार फिर से दोबारा चेक करने के बाद इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आता है, डियर एप्लीकेंट, योर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये एप्लीकेशन नंबर मैं अपना नोट करके अपने पास रख लूंगा, फिर ओके पे क्लिक करूँगा। ओके के क्लिक करने के बाद अपनी प्री रजिस्ट्रेशन डिटेल भरने के बाद मैं सारी चीजें एक बार फिर से चेक कर लूंगा। चेक करने के बाद मैं फाइनली सबमिट पे क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉपअप मैसेज आता है, डियर एप्लीकेंट, प्लीज इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय यू इन दिस फॉर्म इज करेक्ट एंड कंप्लीट। इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, इफ एनी इंफॉर्मेशन फाउंड इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट, देन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द डिटेल्स इन फ्यूचर विद दिस करेंट रजिस्ट्रेशन। मतलब इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे मैं ये कहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद एक मेरा यूनिक रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, ये रेफरेंस नंबर मैं अपने फ्यूचर के लिए, मतलब आगे कोई कम्युनिकेशन के लिए मैं इसको नोट करके रखूंगा और ये मुझे मैसेज और मेरी ईमेल आईडी पे भी आएगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मेरी स्क्रीन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा मेक पेमेंट के ऑप्शन पे, जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर, मैंने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, मेरा नाम, फादर्स नेम, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 100 रुपए की जो फीस लग रही है यूआईएन के लिए वो आ जाएगी। फिर इसके बाद मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं पेमेंट गेटवे की साइट पे आ जाऊंगा। पेमेंट गेटवे की साइट पे यहाँ पे मर्चेंट कोड और ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। इसके बाद मैं अब चालान से पेमेंट करना चाहता हूँ या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ, ये दोनों मेरे ऑप्शंस मेरे सामने आ जाएंगे। लेट सपोज मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पे पे क्लिक कर। पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी विंडो लोड हो रही है तब तक आप विंडो को क्लोज मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका पेमेंट बीच में ही रुक जाए या स्टॉप हो जाए। तो अब यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, लेट सपोज आपका मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है, जिस कार्ड को भी आप चूज करते हैं उस कार्ड को चूज करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही डेबिट कार्ड के अगर ऑप्शंस आप देखना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये सारे नेट बैंकिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। जो भी आपका बैंक है, सूटेबल बैंक को आप चूज करके पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे, सारी चीजें आप जब डाल के सीवीवी नंबर अपना डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने के बाद मैं आपको अब सेकेंड स्टेप बताऊंगा कि उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। और ट्रांजैक्शन नंबर ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगा तो एक आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, उसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि वही उसी ट्रांजैक्शन नंबर से आप अपना आगे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अपना पेमेंट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन नंबर जरूर ध्यान से रखिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लेट सपोज अगर बीच में मेरा कोई पेमेंट छूट गया है या मैं पेमेंट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं वापस अपनी इस साइट पे आ जाऊंगा, RMLAU
rmlau.site। इस साइट पे यहाँ पे एक राइट हैंड साइड का जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि अगर मेरा प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, जो मैंने अपनी मैंडेटरी डिटेल्स थी वो कर दी, लेकिन अपना पेमेंट मैं नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डालूंगा जो कि मेरा एप्लीकेशन नंबर था और मेरे डेट ऑफ बर्थ थी। इसको डालने के बाद अगर मैं यहाँ से प्रोसीड करता हूँ तो देखिए मैं फिर उसी विंडो पे पहुंच जाऊंगा जहां से मैं अपना पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। लेट सपोज आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है वाइल टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, तो आप यहाँ पे जाके फिर से अपनी डिटेल भरने की आपको जरूरत नहीं है, उसी रजिस्ट्रेशन पे आप अपना डिटेल्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और ये चीज पेमेंट के लिए जा सकती है। मतलब आपकी UIN नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट के लिए चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम अपने स्टेप वन को कंप्लीट करेंगे। हमने प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया और फीस का पेमेंट कर दिया है। अब हम आगे अपनी पर्सनल डिटेल्स, स्टेप टू, स्टेप थ्री, एजुकेशनल डिटेल्स, अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, ये सब चीजें अपलोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है, जो कि आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिली होगी। इसको डालने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट करोगे। अब सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो दिखेगी जहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, अपलोड सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर और लॉग आउट। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन किस लिए आप कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको सेशन 18-19 का मिलेगा, जिससे आप आगे अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा, आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नाम डाला है, अपना फादर्स नेम जो डाला है, मदर्स नेम जो डाला है, जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, जो मोबाइल नंबर डाला है, ये सारी चीजें आपकी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जेंडर भी आप जैसे मान लीजिए जेंडर, अब आपको यहाँ से अपनी डिटेल आगे भरनी है, जैसे मान लीजिए आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ से भरेंगे। किस कैटेगरी में आप आते हैं, जर्नल में आते हैं, SC ST है, OB है, OBC है, ये सारी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी सब कैटेगरी क्या है, अगर आपकी सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, कश्मीरी माइग्रेंट है, मिलिट्री पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नॉट एप्लीकेबल है, कोई भी कैटेगरी में आप सब कैटेगरी में नहीं फॉलो करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। इस पे पर कैपिटल आपकी जो एनुअल पेरेंट की इनकम है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, अप टू 1 लाख, अप टू 2 लाख, अप टू 3 लाख, अप टू 4 लाख या मोर देन 4 लाख। फिर डोमिसाइल, मतलब आपका स्टेट कौन सा है जहाँ पे आपके बर्थ हुआ है, या आप नेटिव आपका स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो वो आप डाल सकते हैं, और अगर नॉन उत्तर प्रदेश है तो आप नॉन उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है या अदर है, ये आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ। मेरा वेटेज NCC में या बर्थ सर्टिफिकेट होल्डर जो BC होल्डर हैं या SS सर्टिफिकेट होल्डर हैं, रोवर, रेंजर, स्काउट हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या नॉट एप्लीकेबल हैं, तो अगर कोई वेटेज नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको अगर नहीं पता है तो आप वो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। फिर आपका रिलीजन क्या है, आपका हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, ये सारी आप अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर, जो कि आपकी प्री रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी फील्ड था, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपका हाउस नंबर पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस नंबर पड़ेगा, जो स्टेट आप, जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर डिस्ट्रिक्ट या स्ट्रीट या विलेज का नाम, यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं फैजाबाद सेलेक्ट करता हूँ। फिर पिन कोड डालने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉपअप और आएगा आपका, डियर एप्लीकेंट प्लीज इंश्योर दैट ऑल द पर्सनल डिटेल्स फिल्ड बाय यू इन दिस फॉर्म इज करेक्ट एंड कंप्लीट। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट देन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर डिटेल्स इन फ्यूचर विद दिस रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपने कोई भी इसमें डिटेल गलत भर दी है तो वो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे इसके बाद मुझे थर्ड स्टेप पे ले जाएगा, जो कि एजुकेशनल डिटेल्स का स्टेप है। यहाँ पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन भरूंगा। लेट सपोज मेरी 10+2 की इंफॉर्मेशन, मेरा पासिंग ईयर जो भी है, मैं मुझे पासिंग ईयर, जैसे मैंने 2017 में पास आउट हुआ हूँ या इस साल में पास आउट हुआ हूँ,
मैं ये डिटेल यहाँ पे डालूंगा, मेरी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या था वो मैं यहाँ से चूज करूंगा, उसमें मेरा रोल नंबर क्या था, ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस टू मतलब ट्वेल्थ का आपका रोल नंबर है, इंटर का जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है, टेंथ का नहीं डालना है, जो इंटर का आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपके कितने मार्क्स आए हैं, जैसे लेट सपोज टोटल मार्क्स आपके 1000 में से 500 आए हैं, तो यहाँ पे 500 आप डालेंगे और टोटल मार्क्स 1000 थे तो वो 1000 आप यहाँ पे डालेंगे। इसको करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, फिर से वही मैसेज आएगा, अगर कोई भी चीज आपने गलत कर दी है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद अपनी मैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करूंगा। ये ध्यान रखिए कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है, फोटोग्राफ आपकी 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर जो है वो आपका 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेप है जहाँ पे मैं अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करूंगा। तो इस विंडो में यहाँ पे ब्राउज एक बटन है, इस ब्राउज बटन को मैं क्लिक करने के बाद मैंने जहाँ भी अपनी फोटोग्राफ रखी हुई है उस फोटोग्राफ पे जाऊंगा और उसको चूज करूंगा और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ का प्रीव्यू दिखेगा, अगर आपने कोई गलत फोटोग्राफ अपलोड हो गई हो तो उसको आप चेंज करके वापस से ब्राउज करके वापस से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सिग्नेचर को अपलोड करूंगा, तो करने के बाद अपलोड पे क्लिक करूंगा और फिर सबमिट बटन, मैं दोनों फोटो अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को चेक करने के बाद फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा। फिर वही एक पॉपअप आपके पास आता है कि आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो करेक्ट अपलोड है, अगर आपने करेक्ट अपलोड नहीं करी है तो फर्दर आपको इसमें करेक्शन नहीं करवा सकते, आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज आता है, डियर एप्लीकेंट योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आप ओके पे क्लिक करेंगे। ये अब आपका फ्रेंड्स आपका पूरा जो फॉर्म है इस फॉर्मेट में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तब आपका एक ये फॉर्म जनरेट होके आएगा, ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो आपने पूरा फॉर्म भरा है वो पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, कोर्स जिसमें आपने अप्लाई करा है, आपका क्या नाम है, एप्लीकेंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जैसे 10+2 की जो पूरी डिटेल है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तीन टैब दिए हुए हैं जिसमें एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है, एजुकेशनल डिटेल्स है और फोटो और सिग्नेचर को आपको एडिट करना है। तो यहाँ से आप अगर एडिट पे क्लिक करके आ जाएंगे और इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, एडिट पर्सनल डिटेल्स, एडिट एजुकेशनल डिटेल्स और फोटोग्राफ और सिग्नेचर को आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आई हैव अ केयरफुली रेड द इंस्ट्रक्शंस टू फिल द फॉर्म एंड चेक्ड ऑल द एंट्रीज केयरफुली, दे आर करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माय बिलीव एंड नॉलेज, आई वांट टू सबमिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर्म। जब आप इस पे टिक करेंगे तब यहाँ पे आपका एक कैप्चा का बटन खुलेगा जो आपको यहाँ पे भरना होगा, ये केस सेंसिटिव होगा तो इसलिए अगर कैपिटल लेटर्स में है तो आपको वो उस तरह से भरना रहेगा, ई एफ यू के, बाकी स्मॉल है एफ यू के, 0EFUK, इसको फाइनल सबमिट यहां से करेंगे। अब यहां पे आप अगर देख रहे हैं, डियर एप्लीकेंट प्लीज इंश्योर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, फिर इस रजिस्ट्रेशन पे आप दूसरा कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और इस पेज में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, अगर आप इसको देखेंगे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है, ट्रांजैक्शन आईडी ये है, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, आपका नाम, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। इसके बाद आपको करना है बहुत सिंपल, वो है जिस भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है आप इसका प्रिंट लेके उस कॉलेज में जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, आप यहां से भी प्रिंट ले सकते हैं और यहां से भी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का, आपका 2018-19 सेशन का, कैसे आप एक कॉलेज कॉपी और स्टूडेंट कॉपी, एप्लीकेंट कॉपी कैसे आप निकाल सकते हैं और कैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर अपना आप जनरेट कर सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं।
ये बेसिक एक आपका प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू नीड टू लाइक दिस, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आप आगे भी आप इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करने का। इससे आपकी दो कॉपी निकल के आएंगी, एक कॉलेज कॉपी निकल के आएगी और एक आपकी एप्लीकेंट कॉपी, जो कि आपकी कॉपी है, जो आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, कैसे आप UIN जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी हो आपको अगर UIN के, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी जाके कॉल कर सकते हैं और नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर टेक्निकल कोई इश्यूज होंगे तो हम उसको आपको ज़रूर केटर करेंगे और आपको उसके बारे में एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।